नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम संधि बिंदु पर बात कर रहे थे। स्वर संधि हो गई हमारे, विसर्ग संधि हो गई, आज बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के 10-11 नियम है, दो तीन भाग में आपके ये पूरे हो जाएंगे। पहला नियम देखिए, एक तरफ पंचम अक्षर होने पर, एक ही तरफ पांचवा अक्षर होने पर कैसे क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। बिल्कुल साधारण नियम है। अगर अंगे ये ण न म, ये सारे के सारे आपको पता है नासिक वर्ण पांचवें अक्षर है, ये हलन, और इसके दूसरी तरफ प्लस के बाद में नासिक रहित आ जाए संधि शब्द के अंदर, ये दिख जाए, और इसके बाद में नासिक रहित कोई भी वर्ण हो, तो हम संधि जब विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो इन सारे के सारे नासिक वर्ण का हम हलन म बना देंगे और यहां पर यथावत एज इट इज रह जाएगा। पहला नियम तो हमारे ये कि एक ही तरफ पंचम अक्षर होने पर, इधर देखिए, और आपको पता है नस के अक्षरों को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। देखिए ये संधि शब्द में हमारे अनुस्वार आ रहा है ऊपर, तो इसका हम बनाएंगे हलन मैं, तो ये हो गया सम धन गीत। अगला यहां पर यथावत रहेगा। इसी तरीके संचालन हो गया सम धन चालन, ऊपर वाले अनुस्वार का हमें म के अंदर परिवर्तन करना है। इसी तरीके से देखो ये विशेष हो गया। अब आप बोलोगे ये दो ने एक साथ आगे, तो बस यही फॉर्मूला है इसी के अंदर भी, सम धन न्यासी। तीर्थंकर आ गया यहां पर, थ के यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपके तीर्थम, अनुस्वार में बदल गया धन कर, बिल्कुल आसान। दूसरा नियम है हमारे, दोनों तरफ पंचम अक्षर होने पर, ये तो एक तरफ वाला था, अब दूसरा नियम, दोनों तरफ अगर पंचम अक्षर हो जाए और दोनों तरफ में ही केवल ये तीन ही, जैसे अंगे ण न, तुरंत बाद में संधि शब्द में अगर मैं और न है, दोनों तरफ मैं और न भी पंचम अक्षर और ये भी, इनके बाद में तुरंत अगर मैं और न आ जाए आपके, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का पंचम अक्षर का पहला बना दोगे, अंगे का कह बना दोगे, ण का ट बना दोगे, न का तय बना दोगे, मैं और न यथावत रह जाएगा संधि विच्छेद के अंदर। जैसे सणमास, ये संधि शब्द है, यहां पर ण दिख रहा है आपको पंचम अक्षर हलंत है, और इसके तुरंत बाद में म दिख रहा है दोनों तरफ, तो आप इसका ण आ गया, तो ये ण रहा, ण का पहला हो जाएगा ट, ये हो गया सट धन मास, बिल्कुल साधारण नियम है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। वांग्मय, कई बार परीक्षा में पूछा गया, अंगे, ये हो गया अंगे, और तुरंत बाद में मैं आ रहा है, ये मैं आ रहा है, तो अंगे का कह बना दिया हमने, ये हो गया वाग धन मय। तीसरा देखो उन्मत, यहां पर न आ रहा है, ये न आ रहा है, तो उसके तुरंत बाद मैं आ रहा है, तो इस न का हमने पहला बना देंगे, ये हो गया उत धन मत। दोनों तरफ पंचम अक्षर होने पर और उनमें भी विशेष अंगे ण न के बाद मैं और न होने पर आप इनका इधर वालों का पहला बना दोगे। अब नियम व्यंजन संधि में तीसरे नियम की बात करते हैं, जिसे हम यूं कह सकते हैं ऊंट का नियम या डबल अक्षर का नियम भी कह सकते हैं। अब गांव में आपको पता ही है ऊंट को कैसे बिठाते हैं, चल चल जय जय जय, उसी तरीके से ये ऊंट का नियम, इसको इसी तरीके का आ गया। इसमें संधि शब्द में आपको च ल ड ट ज, और उसके तुरंत बाद में वापस च ल ड ट ज, मतलब यूं कह सकते हैं ऊंट को बोलते हैं चल जय जय डट डट जय, उसी तरीके चल डट जय, और तुरंत बाद में चल डट जय, या यूं के डबल अक्षर आ जाए दोनों समान, इस तरफ भी ये चल डट जाए, उधर भी इधर चाहे तो उधर भी चाहे, इधर ले आए तो उधर भी ले, दो समान अक्षर आ जाए, डबल अक्षर आ जाए, तो ये नियम काम करेगा। अगर संधि शब्द चल डट जय धन चल डट जय आए संधि शब्द में, तो विच्छेद करेंगे, तो इन सारों का, तो इधर वालों का तो तय में परिवर्तन हो जाएगा और इधर यथावत रह जाएगा। जैसे हम लेते हैं शब्द उच्चारण,
ये संधि शब्द हो गया हमारा उच्चारण। यहां पर च, इसके तुरंत बाद में च डबल अक्षर भी कर सकते हैं, और चल डट ज ऊंट का नहीं। तो इस च का हमने इधर हलंत वाले, ये रहे पांचों चल डट ज हलंत, इनका क्या बना रहे हैं हलंत तय बना रहे। ये हो गया उत धन, ये अगले वाला यथार्थ रह जाएगा चारण। इसी तरीके से उल्लेख ले लीजिए आप, ये उल्लेख ले लिया, इधर भी ले आ रहा है, इधर भी ले आ रहा है, ये हो गया उत धन लेख। इसी तरीके से आप तट्टी का ले सकते हैं जिसमें दोनों टाइम ये तय तट्टी का संधि, इधर भी टायर है ये हलंत और इसके तुरंत बाद में टायर है, तो ये हो गया हमारे तय का क्या बन जाएगा तय बनाने इधर सबके तत् धन टीका। अब चौथे नियम की तीन नियम हमने पढ़ लिए व्यंजन के, चौथा नियम है षटकोण वाले सह का नियम। इसमें क्या करना है साहब आपको, षटकोण वाले सह का नियम मतलब सह तो आपको संधि शब्द के अंदर कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा। अगर संधि शब्द में ई और उ की ध्वनि आ जाए और ई और उ की ध्वनि के तुरंत बाद में षटकोण वाला स आ गया, तो आपको क्या करना है संधि विच्छेद जब भी करोगे तो ई और उ की ध्वनि वाला अक्षर तो समान एज इट इज यथावत रह जाएगा और इस षटकोण वाले स को आप सड़क वाले स में बदल दोगे। जैसे हम बात करते हैं अभिषेक, अभी अभिषेक, देख लीजिए मैंने कहा संधि शब्द में अगर ई और उ की ध्वनि आ जाए और उसके तुरंत बाद में षटकोण वाला स हो, तो ये ई और उ की ध्वनि, ई की ध्वनि आ रही है यहां पर, उसके बाद में षटकोण वाला स, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरफ वाले तो ई और उ की ध्वनि तो यथावत रहेगी और बाद में धन का चिन्ह लगा के हम ये इस स को सड़क वाले में बदल देंगे। ये हो गया अभी धन ये सेक। जैसे हम एक अक्षर लें विषम, ये हो गया साहब विषम। अब देखिए पहले अक्षर में ई की ध्वनि आ गई, ये रह गया यथावत रहेगा इसमें भी, उसके तुरंत बाद में षटकोण वाला स आ रहा, तो इसको हम सड़क वाले स में बदलेंगे वी धन सम। अगर कईयों के समझ में नहीं आता है तो आप यूं कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डबल अक्षर दिख जाए, चल डट जय वाला दिख जाए, दोनों तरफ पंचम अक्षर इनमें से दिख जाए और ये षटकोण वाला स दिख जाए, यू की ध्वनि दिख जाए, तो आप इसके अंदर निश्चित तौर पर व्यंजन संधि कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर सकते हैं।